हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू विकी टेक्निशियंस आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में इलेस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल कैसे यूज होता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ देखेंगे ये इलेस्ट्रेटर का इंटरफेस है जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है ये इसका लोगो है यहाँ ऊपर की साइड आपको मेन्यू बार मिल जाता है इसका जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिए हुए होते हैं यहाँ पर ओपन और क्रिएट न्यू दिया हुआ है ओपन से जो फाइल आपने क्रिएट कर ली है वो शो होती है और क्रिएट न्यू से आप इस तरह से एक नया इंटरफेस ओपन करते हैं कि आपको किस टाइप का डिजाइन क्रिएट करना है यहाँ पर वेब पेजेस के लिए या मोबाइल के लिए या फिर आप अलग से कोई डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे हर टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल्स की हम बात करें तो यहाँ पे हर एक मोबाइल के पिक्सल्स के साथ यहाँ पर साइज दिया हुआ है डिजाइन का तो ये कम्पेटिबिलिटी है कि आप इस तरह के फोन में इस तरह का डिजाइन यहाँ पर इस साइज में डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं पिक्सल्स में दिया हुआ है पिक्सल्स का मतलब है कि कोई भी स्क्रीन जो आप देखते हैं या मोबाइल की हो या लैपटॉप की हो या टीवी की हो वो पिक्सल्स में होती है तो नंबर ऑफ पिक्सल से ही एक स्क्रीन ट होती है तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही आपका रेजोल्यूशन अच्छा होगा और उतना ही अच्छा आपके इमेज क्वालिटी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है इन सब में से ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ जब इलेट्रेटर को आप अच्छे से जान जाते हैं अच्छे से आप सीख जाते हैं तब प्रोफेशनली इसको यूज करना होता है फिलहाल आपको यहाँ पर जाना है और इसमें से कोई ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो ये साइज भी डिफरेंट डिफरेंट शो करता है आर्ट बोर्ड का मैं पहले वाला सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एसडी क्वालिटी में दिया हुआ है यानी आप यूट्यूब वीडियोस के लिए भी कोई कंटेंट यहाँ से तैयार करते हैं तो ये वाला साइज आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी इसके बाद राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं कुछ और यूनिट्स भी दी हुई हैं तो अभी इनको यूज नहीं करना है अभी हम सिर्फ पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर और बाकी सारी चीजों को आपको एज इट इज रहने देना है आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है बस मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि इस तरह से चीजें शो होती है इसके अलावा यहाँ पर फोर तो टाइप्स के आपको पेजेस दिए हुए हैं कि आपका जो आर्ट बोर्ड हो वो किस टाइप का हो और जितना ज्यादा रिजोल्यूशन आप लेते हैं जितने ज्यादा पिक्सर्स देते हैं आपकी फाइल भी उतनी बड़ी हो जाती है इसीलिए यहाँ पर साइज दिया हुआ है कि आप कम से कम साइज में भी आप क्रिएट कर सकते हैं सो देट की अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है या फिर सेव करके कहीं लगाने तो आपका साइज डिपेंड करता है फाइल का और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है जैसे आपने पेंट देखा होगा कभी पेंट में काम किया होगा तो इस तरीके से ये ओपन होता है और ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर देखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है इसमें सारी चीजें बहुत ही इजी टू यूज है तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगी लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल की तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो मेन्यू बार दिया हुआ है ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि मेनली आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं फाइल ऑप्शन को ओपन करूँ तो कुछ एक ऑप्शन को छोड़कर इसके अंदर जो पॉपअप मेन्यू ओपन होता है कुछ एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी के सारे ऑप्शन वही है जैसे न्यू फाइल लेना ओपन करना सेव करना सेवाइज करना एग्जिट करना ये सारी चीजें हर एक सॉफ्टवेयर में मिलती हैं आपको एडिट में भी जैसे आपको अंडू ही सबसे ज्यादा यूज होता है और बाकी की चीजें जब आप इसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा सीख जाते हैं अच्छे से तब ये आपको चीज़ें यूज करनी है फिलहाल आपको इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना है और यहाँ पे हम आगे उन ऑप्शंस की बात करेंगे कि जो आपके लिए यूजफुल है जो इनिशियली आप इनको यूज कर सकते हैं तो एक है इफेक्ट इफेक्ट में आप अपने डिजाइन को थ्री इफेक्ट दे सकते हैं डिस्ट और ट्रांसफॉर्म उसको चेंज कर सकते हैं और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं और इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे एक है विंडोज विंडोज के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें ये जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये राइट हैंड साइड पर ये पैनल यहीं से आते हैं आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो पैनल आपके राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगा जैसे की यहाँ पर मैंने लेयर्स वगैरह सिलेक्ट की हुई है तो लेयर्स यहाँ पर है कलर्स है और ट्रांसपेरेंसी है तो ये जितने भी ऑप्शन है ये हमारे विंडोज में सिलेक्ट हुए हुए हैं इसीलिए यहाँ पर शो हो रहे हैं आप चाहे तो इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और चाहे तो आप इनको रख सकते हैं क्योंकि अगर आप कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो इनका यूज तो आपको करना ही होगा और यहाँ ऊपर की साइड आप देख रहे हैं तीन डॉट्स इनकी हेल्प से आप इनको ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको टूल बार तो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल और इसकी शॉर्टकट की है वी कीबोर्ड से जब आप वी प्रेस करते हैं तो ये टूल आ जाता है चाहे आप किसी भी टूल पर क्यों ना हो आप वी प्रेस करेंगे तो ये टूल ओपन हो जाएगा इस तरीके से तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टूल का क्या क्या यूज है और क्या क्या फीचर्स हैं तो मैंने एक शेप ले ली है और ये मैंने आर्ट बोर्ड पर इस तरीके से यहाँ पर रख दी है अब देखिए मैं यहाँ पर जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको इसमें जो हैंडल्स हैं इन हैंडल्स की हेल्प से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ या ड्रैग कर रही हूँ आप कह सकते हैं तो मैंने यहां से इसको ड्रैग किया तो ये इस तरीके से अपना साइज चेंज कर रहा है अभी हमने देखा कि हमने इसका साइज भी चेंज कर लिया और इसकी शेप भी चेंज हो गई है और ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है यानी कि हम इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं और इसकी शेप भी चेंज हो सकती है लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आपको शेप चेंज नहीं करनी है तो हमारी इमेज की जो शेप है वो चेंज ना हो उसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं आप किसी भी डायरेक्शन में इसको आप ड्रैग कर सकते हैं तो ये देखिए अगर मैं बिना शिफ्ट के इसको ड्रैग कर रही हूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाती है लेकिन अगर आप शिफ्ट की हेल्प से इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बस इसका साइज आप चेंज कर पा रहे हैं शेप में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं लेकिन ये तब यूजफुल है जब आप शेप चेंज नहीं करना चाहते लेकिन अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का यूज ना करें इसके अलावा सिलेक्शन टूल का एक यूज है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको कहीं भी रख सकते हैं इस तरीके से उठाया आपने कहीं भी रख दिया तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसी को आप पिक कर सकते हैं जैसे कि आपने कोई चीज उठाई और रख दी सेम ऐसे ही यहाँ आपने सिलेक्ट किया और इसको कहीं रख दिया अब आप यहाँ देखिए कि कोई किसी भी हैंडल पर आप जा रहे हैं तो वहां पर एक रोटेट का साइन आपको दिखाई देता है तो सिंपली आप किसी भी हैंडल पर जाएंगे तो एक रोटेशन का साइन आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए तो आप इसको इस तरह से रोटेट करते हैं तो एक सर्कुलर मोशन में ये रोटेट हो रहा है एकदम एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं क्लॉग भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं तो बिल्कुल एक क्लॉक डायरेक्शन में ये हम इसको रोटेट कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में ये रोटेट हो रहा है लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो क्या होता है शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 45 डिग्री पर रोटेट होगा मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली रोटेट होगा नहीं एक बार इधर फोर्टी डिग्री एक बार इधर एक बार इधर रोटेट होगा तो हमने इसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया शिफ्ट की हेल्प से तो अब ये 45 डिग्री पर रोटेट होगा लेकिन अगर आपको हर एक एंगल पे इसको मूव कराना है या किसी भी एंगल पे रोटेट कराना है तो आप शिफ्ट का यूज ना करें सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने इसको सिलेक्ट किया या वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया इसको सिलेक्ट किया और हमने बिल्कुल इस शेप को छोटा कर दिया मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसी इमेज है जिसमे बहुत छोटी इमेज है और आपको इसको एडिट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो जूम इन करेंगे तो जूम इन दो तरीके से आप कर सकते हैं एक तो ये आपका टूल है इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये ज़ूम इन हो जाएगा और प्रेस करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा पेज बाहर आप प्रेस करेंगे तो ये हैंड आपको दिखाई देगा और इस हैंड की हेल्प से आप अपने आर्ट बोर्ड को इधर उधर मूव कर सकते हैं तो फिर से सिलेक्शन टूल लेंगे वी प्रेस करके और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरा तरीका है की आप अपने माउस से इसको जूम इन कर सकते हैं उसमें एक व्हील होता है सबको पता है कि माउस में एक व्हील होता है ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इसको उस व्हील की हेल्प से जूम इन कर लेंगे ये देखिए कितना जूम हो जाता है यानी आप वेरी प्रिसाइजली इसको एडिट कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पर इसके हैंडल्स भी शो हो रहे हैं तो इतना जूम इन करने के बाद आप इलस्ट्रेटर में काम कर सकते हैं दूसरी चीज ये है कि इसमें वेक्टर इमेज क्रिएट होती है तो इसके पिक्सल्स नहीं फटते हैं जैसे फोटोशॉप में रेस्टर इमेज क्रिएट होती है उसके पिक्सल्स फट जाते हैं लेकिन दोनों ही पर्पज अलग अलग है क्योंकि फोटोशॉप का पर्पज अलग है फोटो एडिटिंग वगैरह उसमें होती होती है 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 और इसमें होती है। इसका है। इसमें क्रिएट इसका अलग एच डी क्वालिटी में ग्राफिक्स लोगो कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ तक आए हैं तो मतलब आपने बड़े पेशेंस के साथ ये वीडियो देखी है उसके लिए धन्यवाद आगे इस वीडियो में मैं आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाली हूँ जो इनिशियली आप इलेट्रेटर में यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है और नेसेसरी है अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने इतने सारे फीचर्स डाले हैं और जो कि आपको आने ही चाहिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इलेस्ट्रेटर चला रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल के एक और फीचर के बारे में और वो है कॉपी करना तो सिंपली हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से और ऑल्ट प्रेस करते हैं और उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है इस तरीके से हम कितनी ही कॉपी क्रिएट कर सकते हैं आप चाहे तो यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो इमेज पेस्ट होगी वो कहीं भी पेस्ट हो जाएगी इसका क्या फायदा है कि आप मैन्युअली आप कॉपी करते हैं और मैन्युअली उसको अपने अकॉर्डिंग पेस्ट करते हैं मीन्स कि आप ऑल्ड की हेल्प से उसको कहीं भी रख सकते हैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ कलर फिल कर रही हूँ जो राइट हैंड साइड पर मैंने आपको बताया था कि एक पैनल है कलर का तो वहां पर आप जाएंगे और यहाँ से कलर फिल कर लेंगे इस तरीके से अंडू के लिए हमें कंट्रोल जेड प्रेस करना है यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये सबको पता है और हम बैक चले जाएंगे कंट्रोल जेड करके फिर से हम अपनी इमेज पर आ जाएंगे उसको सिलेक्ट select करेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से अब हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के एक और फीचर के बारे में इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया है और मैंने इसको डाउनवर्ड इस तरीके से रखा जैसे मैंने बताया कि इसको हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से कहीं भी रख सकते हैं इसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी तो ये इसी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देगा तो हम ऐसा किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं मान लीजिए मैंने इधर मूव कराया तो इधर मूव होने लगा कंट्रोल डी की हेल्प से तो इसका क्या यूज है कि आपने कोई टास्क किया है और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं तो इस तरह से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा मैंने कॉपी किया और इसकी नंबर ऑफ कॉपी कंट्रोल डी की हेल्प से हो गई यानी कि किसी भी टास्क को आप रिपीट कर सकते हैं कंट्रोल डी की हेल्प से इसके लिए सिलेक्शन टूल्स की हेल्प से हमें इमेज को सिलेक्ट करना है और देन कंट्रोल डी प्रेस करना है अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इमेजेस सिर्फ एक इमेज को ये सिलेक्ट नहीं करता है ये ग्रुप ऑफ इमेजेस को सिलेक्ट करता है और उसकी कॉपी भी कर सकता है ऑल्ट की हेल्प से लाइक कि आपने कुछ इमेजेस ली हैं और उनको सिलेक्ट किया है और उसकी आपने ऑल्ट की हेल्प से कॉपी क्रिएट कर ली इस तरीके से ये देखिए एक पैटर्न बन गया है यहाँ पर सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम पूरा ग्रुप तो सिलेक्ट कर लेते हैं क्या हैं तो पहले मैं आप कॉपी कर लेती हु और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अल्टरनेट रो को शिफ्ट प्रेस किया ड्रैग किया इसको सिलेक्ट किया ऐसे ही अल्टरनेट रो को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया या कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं और शिफ्ट की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं तो ये देखिए ये ये किस तरह का पैटर्न क्रिएट हो चुका है तो ये है तो कब होता कि जब आप ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल जेड करेंगे और इस पैटर्न को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे जब हम कोई इमेज लेते हैं यहाँ से मैं मैंप्स ले लेती हूँ तो क्या होता है सिलेक्शन टूल की हेल्प से तो हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से किसी भी शेप में यहाँ पे लिप्स बना रही हूँ या सर्कल बना रही हूँ किसी भी शेप में क्रिएट कर देते हैं और जो कलर हमने सेलेक्ट किया ये उसको ले लेता है या फिर आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हाइट और विर्थ यहाँ पर शो हो रही है ये क्यों शो हो रही है कि मान लीजिए आपको ये डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं और उसकी हाइट और विथ ऑलरेडी गिवन है आपके प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर आपको उसकी हाइट और विथ देनी होगी एंड देन ओके करना होगा इस तरीके से अगर आप कुछ भी डिजाइन करने हैं अपने अकॉर्डिंग तो आपको हाइट और विद्ध लेने की जरूरत नहीं है मान लीजिए आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आपको इस तरह से एक बोर्ड चाहिए और इसके राइट हैंड साइड पर इसकी हाइट और विद्ध दिखाई दे रही है या तो आप इस तरीके से क्रिएट करें जिसमें आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कितनी हाइट है कितनी ये विद्ध है या तो फिर आप इसको आ, क्लिक कीजिए सिंपली और यहाँ पर विद्ध और हाइट दी हुई है आप सिंपली यहाँ पर उसकी हाइट और विथ डाल दीजिए तो मैं मान लीजिए यहाँ पे 400 ले लेती हूँ और यहाँ पर भी 400 ले, ले लेती हूँ और ओके कर दूंगी तो ये कंप्लीटली बोर्ड क्रिएट हो जाएगा प्रोफेशनली जब आप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं तो ये चीज आपके बहुत काम आती है यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो रॉ इमेजेस पड़ी हुई हैं और मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे और ये अलग ही इमेज क्रिएट हो जाएगी लेकिन अभी भी ये दोनों अलग अलग इमेजेस हैं हम इनको अलग अलग सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल की तो इसमें क्या है कि दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये एक सिंगल इमेज क्रिएट हो जाएगी आप देख पा रहे हैं कि हम इनको अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बार में सिलेक्ट कर पा रहे हैं और एक ही बार में इसको पिक एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं इसे इमेजेस को ग्रुप करना कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ द इमेजेस तो इसमें हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं जिसका मतलब है ग्रुप करना तो ये एक सिंगल इमेज क्रिएट हो जाती है और हम इसको एज ए सिंगल इमेज ट्रीट करते हैं क्या ग्रुप के ऊपर भी सारे फीचर्स अप्लाई होते हैं जी हाँ बिल्कुल आप इस ग्रुप को कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल डी की हेल्प से इस टास्क को रिपीट भी कर सकते हैं और इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी इमेज या ग्रुप को जब हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि राइट right क्लिक करेंगे तो आपको शो होते हैं ग्रुप अनग्रुप ट्रांसफॉर्म अरेंज तो इन सारे फीचर्स का हम यूज करेंगे आगे तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं क्या या फिर हमें सिंगल सिंगल इमेज में कलर फिल करना पड़ेगा तो ये जो पैनल है पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पैनल है ये रिमूवेबल होते हैं यानी कि आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पर और फिर से इस पैनल प्लेट में जाकर ड्रॉप कर सकते हैं तो यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर लेती हूँ और ये कलर पूरे ग्रुप में फिल हो जाएगा एक साथ तो कितनी ही बड़ी इमेज हो कितने ही सारे ग्रुप्स हो आप उनमें एक साथ कलर फिल कर सकते हैं मुझे चाहिए यहाँ पे ब्राइट येलो कलर मैंने यहाँ फिल कर लिया है और इसको डिसलेक्ट कर देंगे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा ये नंबर ऑफ इमेजेस है यहाँ पर ये ग्रुप नहीं है ग्रुप तो सिर्फ दो इमेजेस का है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये एक सिंगल इमेज है और हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह से ये रोटेट हो जाए बट ये यूनिफॉर्मली शो नहीं हो रहा है यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है तो इसको यूनिफॉर्म कैसे रोटेट करें तो राइट right क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्म का और यहाँ पर रिफ्लेक्ट में जाएंगे तो ये देखिए इसमें डिग्री आपको शो हो रही है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए उस एंगल पे जब आप क्लिक करेंगे या कोई भी एंगल आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ओके okay करेंगे तो ये उस एंगल पर रोटेट हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे रोटेट हो गया उस एंगल पर और अब हम क्या करेंगे कि अब हम सारे एंगल्स पे इसको रोटेट करके चेक कर सकते हैं हम किसी भी एंगल पर इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं रिफ्लेक्ट ऑप्शन बहुत जगह यूज होता है आपने किसी इमेज को क्रिएट किया सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट किया राइट right क्लिक किया एंड देन ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पर जाएंगे तो वो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो इमेज एज इट इज क्रिएट हो जाएगी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जहां भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं आपको हॉरिजेंटली या वर्टिकल uh, आपको रिफ्लेक्ट कराना है वो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया वही आपको फॉलो करना है और इसके बाद एक लास्ट चीज मैं यहाँ बताने वाली हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफी यूजफुल है आपके लिए तो इसमें क्या करना है कि एक इमेज हमने सिलेक्ट कर ली जो कि डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए और उसके बाद हम इस पर राइट right क्लिक करेंगे और अरेंज पर जाएंगे यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रिंग टू फ्रंट फॉरवर्ड बैकवर्ड सब दिया हुआ है तो हम इसको बैक कर देंगे इस तरीके से तो यानी कि इमेज बहुत सारी इमेज लेयर्स में है और बहुत सारी इमेजेस इस तरीके से अरेंज है कि आपको एक इमेज को सबसे लास्ट में भेजना है और एक इमेज को आपको फ्रंट पर लाना है तो उसके लिए क्या करना है तो वन बाय वन तो आप जाएंगे नहीं तो ये फीचर आपके बहुत काम आएगा तो इस तरीके से आप राइट right क्लिक करेंगे और उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड कर लेंगे सिलेक्शन टूल के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं एक लास्ट फीचर और मैं बता देती हूँ कि ग्रुप अनग्रुप कैसे करते हैं तो कुछ भी इमेज है जो ग्रुप्ड है और उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं ग्रुप और अनग्रुप का उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से बता दिया है बिकॉज की जो सीखने वाली चीजें हैं वो बहुत बोरिंग सी लगती है बट इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है तो जो सीखने वाली चीजें हैं वो तो सीखनी ही पड़ेंगी अगर कुछ करना है तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स फॉर वॉचिंग